नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के बारे में। दोस्तों, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो था काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा था कि अब ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ये दूसरी कंट्री पे लॉन्च हो चुका था, जैसे इटली, मैक्सिको, इंडोनेशिया वगैरह में ये लॉन्च हो चुका था और लोग इसको यूज़ भी कर रहे थे। तो फाइनली इसे इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया है। आप इसको प्ले स्टोर पर ढूंढ सकते हो, आसानी से इंस्टॉल करके यूज़ भी कर सकते हो। वैसे इंडिया में इसे लॉन्च किया गया था ट्रायल के लिए, मतलब कुछ कंपनी इसका यूज़ कर रही थी जैसे बुक माई शो, लेकिन सभी इसको इस पर रजिस्टर नहीं कर सकते थे, शायद इन्हें ट्रायल के लिए दिया गया होगा। तो आपने देखा होगा बुक माई शो से भी कुछ ऐसे मतलब व्हाट्सएप में मैसेज आते थे अगर आप सब्सक्राइब करते थे उनको। तो वैसे ही आप अपना अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस में, और अपने कस्टमर्स को मैसेज कर सकते हैं, मतलब या तो अपना प्रमोशनल ऑफ़र दे सकते हैं उनको, या फिर कोई भी जानकारी जो आप मैसेज के द्वारा देते हैं वो आप व्हाट्सएप में दे सकते हैं। और उनको पता भी होगा कि भैया ये जो मैसेज हमको आ रहा है वो बिज़नेस अकाउंट से आ रहा है, मतलब ये एक बिज़नेस जो अकाउंट खुला हुआ है ना किसी भी शॉप का, या फिर जिसका भी आपका जब भी जो भी बिज़नेस अकाउंट हो वहाँ से आ रहा है, ये उनको पता होगा कस्टमर को। तो इससे उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा और आपका भी फ़ायदा होगा कि आपकी जो कस्टमर तक रीच होगी, पहुँच होगी, वो बढ़ेगी। ये है इसका यूज़। तो अब इसको यूज़ करना कैसे, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये टोटल फ्री है। कोई भी मतलब जैसे इसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस तो पैसे लगते होंगे, तो अभी तक मुझे इस ऐप में कहीं पे भी पेमेंट या फिर अपग्रेड या फिर प्रो वर्जन का कुछ ऐसा ऑप्शन मिला नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ये फ्री है। तो इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, व्हाट्सएप बिजनेस के नाम से ये है, आपको मिल जाएगा। देखिए व्हाट्सएप बिजनेस मैंने लिख के सर्च किया था, यहाँ पर आ गया था। बहुत से फेक भी है ना, तो उनको मत कीजिएगा। ये सबसे पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा व्हाट्सएप बिजनेस लिखोगे तो। अभी ज़्यादा डाउनलोड इस पर मिले नहीं है, 100,000 है, क्योंकि अभी अभी तो लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और देखिए इसको ओपन करेंगे ना, आपको मैंने पहले सेटअप कर लिया। ओपन करेंगे तो आपको नॉर्मली जैसे व्हाट्सएप होता है ना वैसे ही नंबर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको वहाँ पे बिज़नेस का नाम मांगेगा, तो आपका जो भी जैसे कि अगर आपकी शॉप है, केक शॉप है, तो एग्जांपल के लिए अंकित केक, तो आप अंकित केक लिख सकते हैं वहाँ पे नाम उन पे उस जगह पे। तो उसके बाद जब आप ओके करेंगे ना तो आपके ऐसे स्क्रीन खुल के आएगी, और बस आपको यहाँ पे सेटिंग करना है अपना अकाउंट, जो एकदम नॉर्मल है। बस आप देखते जाइएगा, यहाँ पे जाइए और सेटिंग का ये ऑप्शन है, इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बिज़नेस सेटिंग। बिज़नेस सेटिंग पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे मिल जाएगी आपको, सबसे ऊपर है प्रोफाइल, उस पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए एकदम लाइन से मिल जाएगा बिज़नेस अकाउंट लिखा होता है सबसे पहले। प्रोफाइल पिक्चर तो आपको पता है नॉर्मली, यहाँ से क्लिक करके ना आप चेंज कर सकते हो। सॉरी, ये यहाँ पे है एडिट करने का उससे। और यहाँ पे एड्रेस मैंने पहले से ही डाल रखा है, आपको सब ऑप्शन मतलब ब्लैंक मिलेंगे, वहाँ पे आपको बस भरना है। ये इंटरटेनमेंट मतलब कैटेगरी है, कैटेगरी आप ओपन करोगे तो बहुत सारी आ जाएंगी वहाँ पे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस के बारे में 4 शब्द लिख दो भैया, कब कब ओपन, मतलब हफ्ते में कितने दिन ओपन रहता है। तो 2400 घंटा ओपन रहता है, तो 2400 घंटा अगर आप सर्विस दे सकते हो तो लिख दो, नहीं तो आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो डेट कब कब। और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और अपनी वेबसाइट अगर उपलब्ध हो तो, इतना लिखने के बाद ओके कर दोगे तो सेव हो जाएगा जैसे मैंने सेव किया हुआ। और उसके बाद इसमें कुछ खास फीचर ये हैं बस जो नॉर्मल, कि आपके पास मतलब कितने मैसेज सेंड किए, डिलीवर्ड हुए, कितने रीड हुए, कितने आपको रिसीव हुए, ये सब आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो आसानी से। अब ग्रीटिंग मैसेज भी आप इसमें लिख सकते हो। ग्रीटिंग मैसेज का मतलब होता है कि चलिए आपने अपना बिज़नेस का जो नंबर है बिज़नेस अकाउंट का, उसने आपने कहीं पे लिख दिया भैया, बता दिया कि ये हमारा व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट है, आप हमको चैट भी कर सकते हो। तो अगर आपको कोई कस्टमर मैसेज करता है हाय लिख के, तो हो सकता है आप अवेलेबल नहीं हो उस टाइम पे रिप्लाई करने के लिए, तो एक रिप्लाई आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर मतलब लिख के रख सकते हो, जैसे ही कोई मैसेज करे तो ये ऑटोमेटिक उसके पास पहुँच जाए कि भैया थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, हम आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ लिख के आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भैया जैसे ही वो मैसेज करेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और यह है एक क्विक रिप्लाई, क्विक रिप्लाई भी आप लिख के रख सकते हो भैया। क्विक रिप्लाई में जैसे कि अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, मतलब शॉपिंग वॉपिंग का टाइप का, तो आप लिख सकते हो भैया ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर प्लेस्ड, या फिर इस टाइप से कुछ लिख के रख सकते हो। जब भी कोई कस्टमर कुछ बुक करे, चाहे व्हाट्सएप में ही, चाहे जहाँ से, तो आप उसको मैसेज कर दो। या तो हो सकता है आपकी कोई वेबसाइट हो, वहाँ से आपका एक ऑर्डर बुक हुआ, आप चाहते हो आप कस्टमर को व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन भेजो, तो ऑर्डर रिसीव्ड वाला नोटिफिकेशन आप सिलेक्ट करके रखे रहो, वो उसके नंबर पर भेज दो। ये बस शॉर्टकट है। तो बस इतने ही फंक्शन है दोस्तों, अब कुछ नए आएंगे तो मैं बताऊँगा। और उम्मीद है आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे आप अपना एक बिज़नेस अकाउंट बना सकते हो व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप में। तो
तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, मतलब सॉरी कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक तो कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।